जय हिंद डिफेंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडिया और वियतनाम के डिफेंस टाइड और ट्रेड अब लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, जहां पर दोनों देशों के बीच में बायलेटरल मीटिंग में कई मुद्दों पर जो है चर्चा की गई और उस पर सहमति भी जताई गई है। और अब भारत वियतनाम के द्वारा जो है साउथ चाइना सी में अपने डिफेंस टाइज और ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में इस बायलेटरल मीटिंग में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स और एमयूज किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर वर्ष 2014 से ही काम कर रहा है। आसियान के जितने भी देश हैं, भारत के साथ उनकी मित्रवत संबंध है। और अभी प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के, जिनका नाम फाम फिन चिन है, वो भारत के आपके यात्रा पर है, जहां पर उनको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आपका रिसीव किया गया। दोनों देशों के बीच में कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है सहमति जता दी गई है। द टू लीडर्स रिकॉग्नाइज कन्वर्जेंस इन द वर्ल्ड व्यू एंड एक्सप्रेस सपोर्ट टू अ ग्रेटर वॉइस एंड अ रोल ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की बात क्यों कही जा रही है? भारत एशिया के जिस क्षेत्र में आता है उसको साउथ एशिया कहते हैं, और वियतनाम जहां पर आता है उसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ का कन्वर्जेंस और उनकी डिमांड वैश्विक स्तर पर बढ़ सके, इस कारण से दोनों देशों ने खुलकर जो है इस पर सहमति आपकी जताई है, और दोनों देशों के द्वारा कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति करके उस पर जो है एमओयू आपका किया गया है। दोनों देश आने वाले समय में फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड मैरिटाइम डोमेन, डिफेंस कोऑपरेशन, पार्लियामेंट्री एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पेस साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आएगी, इसको शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में कल्चरल और टूरिज्म एक्सचेंजेस आपके हो सके, इस पर भी जो है दोनों देशों ने कहा है कि हाँ, इन सभी मल्टी डोमेन एरियाज में हम कार्य करेंगे। वियतनाम और भारत पिछले कई सालों से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहा है। 1947 के पहले भी देखें तो भारत वियतनाम के बीच में काफ़ी अच्छे आपके संबंध रहे हैं। मेनली जो कल्चरल टाइज हैं दोनों देशों के बीच बड़ी अच्छी है। वियतनाम का जो डिस्प्यूट है वो चीन के साथ साउथ चाइना सी के मुद्दे पर है, और भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ वहाँ पर क्वाड बनाया हुआ है। अभी आपने देखा था कि भारत ने इसी साल फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिया हुआ है, और वही मिसाइल यूएई, सऊदी अरबिया, वियतनाम जैसे कई देश हमसे मांग रहे हैं, और भारत उनको आने वाले समय में देगा भी। साथ ही साथ बोथ द लीडर्स वेलकम द साइनिंग ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द पीरियड ऑफ 24 to 28। जितने भी अभी मैंने एरियाज बताए उस पर ये सभी देश आने वाले 4 सालों में कार्य करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे और उसको आपका बढ़ाएंगे। दे एग्री टू इंटेंसिफाई एंड स्ट्रेंथन द बायलेटरल डायलॉग इन वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक ट्रेड, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। भारत ने उनको आर्थिक सहायता भी दी है, जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोनों देश के बीच में अभी के समय में $15 बिलियन का व्यापार आपका होता है। व्यापार किस प्रकार से बढ़ सके इस पर दोनों देशों ने चर्चा की है। अभी आपने देखा ही होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया, चीन और वियतनाम का दौरा किया था। तो वियतनाम जो है केंद्र में है, अभी साउथ एशिया के केंद्र में वियतनाम चल रहा है, और ये कुछ देशों को रास नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं, जैसे अमेरिका जैसे जो एलाइड देश हैं वो नहीं चाहेंगे कि रशिया जैसा देश जो है वियतनाम के दौरे पे आए, वियतनाम भारत में आए। अब इससे क्या होगा, एक प्रकार से वियतनाम का बैलेंसिंग एक्ट भी बनेगा, क्योंकि वियतनाम रशिया को साथ ले ले रहा है, भारत को साथ ले ले रहा है, और वहीं पर चाइना को सब काउंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा स्टेटमेंट में कहा गया है कि टेकिंग अ वेल डिग एट द चाइना बाई सेइंग दैट बोथ इंडिया एंड वियतनाम अपोज एक्सपेंसिनिज्म इन द इंडो पैसिफिक। तो पीएम मोदी के द्वारा कहा गया, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम फाम मिन है, उन्होंने कहा कि एक्सपेंसिनिज्म को जो है जो पॉलिसी है वो बड़ी खतरनाक है, और उसको हम इंडो पैसिफिक रीजन में
प्रमोट नहीं होने देंगे। बोथ लीडर अनाउंस टू क्रेडिट लाइंस टोटलिंग $300 million टू ब्लॉस्टर द मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो $300 million का आपका टू क्रेडिट लाइंस, यानी कि भारत ही उनको आपका आर्थिक सहायता दे रहा है जिससे कि वो अपने कोस्ट गार्ड को इम्प्रूव कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि चाइना के द्वारा जो है फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को वाटर कैनन के माध्यम से टारगेट किया जाता है। तो वियतनाम ने देखा कि आने वाली स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है, तो इसलिए भारत जो है अब इनको आर्थिक सहायता आपकी देगा। एट अ स्पेशल ब्रीफिंग इन द इवनिंग टू द विजिट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयदीप मजूमदार टोल्ड रिपोर्टर दैट द टू क्रेडिट लाइन्स वन ऑफ $180 million एंड अदर टू ऑफ $120 million वर फॉर कोस्ट गार्ड शिप्स एंड फॉर फास्ट क्राफ्ट बॉर्डर पेट्रोल बोट्स फॉर वियतनामी फोर्सेस। तो भारत इनको मदद कर रहा, पहले भी भारत ने इनको कोस्ट गार्ड जैसी शिप्स दी हुई हैं, अब भारत $300 million दे रहा है जिससे कि ये और भी अधिक अपने फास्ट पेट्रोल वेसल्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल खरीद सके और पूरे साउथ चाइना सी में जो है अपना नियंत्रण आपका बना सके। तो इसको लेकर चाइना तो आपका उसको काफी मिर्ची लगी होगी। बोथ लीडर ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड अ वर्चुअल मोड इन द आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क एट टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी इन द ना था त्रांग वियतनाम। तो वियतनाम में भारत के द्वारा उनके लिए आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क आपका बना दिया गया है जो कि एक डिफेंस टाइज के सिंबल के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के द्वारा वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज भी होती है, इसको एक्सरसाइज विनबेक्स कहा करते हैं ना, तो उसके माध्यम से भी दोनों देशों के बीच आपका सहयोग काफी अधिक बढ़ा रहता है। द आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क हैज बीन बिल्ट विद एन इंडियन ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $5 million एंड हैज 17 क्लासरूम 200 कंप्यूटर विद अ डेटा सेंटर। तो भारत लगातार आर्थिक रूप से सहायता कर रहा है, मिलिट्री के रूप में सहायता कर रहा है, कोस्ट गार्ड के माध्यम से उनकी जो है क्षमता बढ़ा रहा है, ट्रेड हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, साइंस हो, कल्चर, टूरिज्म, सभी में भारत इनका सहयोग दे रहा है। इसीलिए दोनों देशों के रिलेशंस काफी अच्छे भी हैं और साउथ एशिया की राजनीति में दोनों देशों की ये जो सहभागिता है वो और भी आगे बढ़ेगी और इससे एक देश को काफी आपका नुकसान पहुंचेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर। दीज आर दी कोर्सेस रनिंग विद दिस क्रैक एग्जाम और वॉर रिटर्न कोड का यूज कर ले जिससे कि आपको हमारे कोर्सेस में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।